नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, स्वागत है आप सभी का आज किस नई क्लास में। चलिए दोस्तों, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लासेस से ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि आज किस वीडियो में बात करने वाले हैं नई शिक्षा नीति पे आधारित हिंदी के, यानी कि बी के जो छात्र हैं उनके लिए हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर के बारे में। ये सारे क्वेश्चन नई शिक्षा नीति पे आधारित हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और ये खास बात ये है कि ये आप सभी को मालूम है, नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग इस बार जो है सेमेस्टर एग्जाम होने वाले हैं। तो सेमेस्टर एग्जाम में आप लोगों का जो एग्जाम का पैटर्न होने वाला है वो होने वाला है सब्जेक्टिव बेस पे। तो सब्जेक्टिव बेस पे जो आप लोगों के एग्जाम होंगे, तो वो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों के लिए लगभग ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में सभी क्वेश्चन जो है वो सब्जेक्टिव होने वाले हैं। और आपको मैं बता दूं, इससे पहले मैंने बहुत सारी वीडियो अपलोड की, आपने नहीं देखे चैनल पर जाके देख सकते हैं। आज इस वीडियो में करेंगे हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर के बारे में, जो कि लघु उत्तरीय बेस पे होने वाले। आप सभी को मालूम है कि लघु उत्तरीय बेस के बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। बिना देरी किए टॉप लेवल क्वेश्चन और आंसर आपको बताते हैं और उसको समझाने का प्रयास करेंगे, जिससे आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैंने लिखा जो टॉप लेवल का, मैंने फिल्टर करके सारे क्वेश्चन रखे हैं इसमें। पहला क्वेश्चन है, यानी कि ये दो नंबर कह लेंगे आप लोग, लेकिन मैंने एक नंबर इसको बना लिया, क्योंकि जो पहला क्वेश्चन था मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने दूसरे से स्टार्ट किया। लिखा है उपन्यास और कहानी का अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप सभी को आंसर बताना है कि उपन्यास और कहानी में क्या अंतर है, क्या चेंजेस हैं वो बताना है। तो आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल सा आप लोगों को आंसर देना है, वो मैं आपको बताता हूँ कहानी और उपन्यास में क्या अंतर है। उत्तर में लिखा है कि महाभाष्यकार के अनुसार उपन्यास का अर्थ होता है वचन को उपस्थित करना। ध्यान रखिएगा, महाभाष्यकार के अनुसार उपन्यास का अर्थ होता है वचन को उपस्थित करना। उपन्यास यानी कि कोई वचन बोले, ठीक है, कोई अगर वादा करे तो उसको उपस्थित करना। ठीक है, और लिखा उपन्यास और कहानी दोनों की जड़ एक है, यानी कि दोनों की जड़ें एक ही हैं। ठीक है, और लिखा उपन्यास कहानी भी लिखते हैं, उपन्यासकार कहानी भी लिखते हैं और कहानीकार उपन्यास भी लिखते हैं। इसका मतलब ये है, जो कवि या फिर जो भी लेखक उपन्यास लिखता है वो उपन्यास वो कहानी भी लिख सकता है, जो कहानीकार है वो कहानी लिखता है, जो भी लेखक वो उपन्यास भी लिख सकता है, क्योंकि दोनों लगभग सिमिलर यानी कि सिमिलर हैं। यही से बताया, इसीलिए बताया गया कहानी और उपन्यास की जो जड़ है वो एक ही है। आगे पढ़ेंगे, लिखा है उपन्यास का आकार विस्तृत होता है जबकि कहानी का आकार सीमित होता है। यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ही अच्छे शब्दों में यहाँ पर बताया गया है, आप लोगों को अंतर आसानी से लिख देना है, पूरे नंबर मिल जाएंगे। उपन्यास का आकार जो होता है, या आप लोग कहते हैं जो भी आप लोग उपन्यास देखते हैं या फिर पढ़ते हैं जो भी है, ठीक है, तो उपन्यास का जो आकार है वो विस्तृत होना है, यानी कि बहुत ज़्यादा होना है, कि विस्तृत यानी कि विस्तार से होता है, यानी कि ज़्यादा होता है कुल मिला के, ठीक है, लंबा होता है। जबकि कहानी का आकार सीमित होता है, यानी कि इसमें बताया जा रहा है कहानी का आकार जो है वो सीमित होता है। सीमित का मतलब ये हुआ कहानी का, तो कोई कहानी शुरू हुई तो कहानी की अंत भी होती है। जैसे कि कोई आपने मूवी देखी, तो मूवी स्टार्टिंग से 2 घंटे की होती है या 2.5-3 घंटे की जो भी होती है, सब मूवी अलग अलग होती है, लेकिन कोई मूवी जो स्टार्ट होती है तो शुरू से उसमें कहानी जो बताई जाती है और लास्ट में वो अंत भी उसका दिखाते हैं। ठीक है, तो यानी कि जो कहानी होती है उसका अंत भी होता है, इसलिए उसको बताया जा रहा है कहानी का जो आकार होता है वो सीमित होता है। ठीक है, वही होता है सीमित, क्योंकि 2 घंटे से 3 घंटे उसमें कहानी तो बढ़ाई नहीं जा सकती, इस तरह तो फिर कहानी चलती ही रहेगी, फिर कहानी खत्म नहीं होगी, इसलिए कहानी को बताया गया सीमित होती है। ठीक है, और लिखा है कि उपन्यास में कई पात्र एवं कई घटनाओं को समाहित किया जा सकता है, यानी कि जो उपन्यास उसमें कई जो पात्र हैं, जो घटना जो घटती हैं उसको समाहित किया जा सकता है, और कहानी का अंतर और लिखा है, ठीक है, लिखा है किंतु कहानी का वर्ण, ठीक है, विषय एवं पात्र सीमित होते हैं। यानी कि कहानियों में जो वर्ण और विषय एवं पात्र, यानी कि कोई भी विषय का लेकर कुछ भी कहानी बनाई गई है, या फिर जो उसमें पात्र होते हैं लोग बाग होते हैं, ठीक है, या किसी के बारे में, जैसे आपने कहा कि राजा एक जंगल में एक राजा था और उसने एक जंगल में राजा था और शेर एक राजा था, ठीक है, या फिर आप लोग और भी कहानी बना सकते हैं कि एक बार की बात है कि एक महल में दो राजा, एक मतलब कि एक राजा एक रानी रहते थे, या दो राजा दो रानी रहते थे, तो उसमें सीमित पात्र हो गए, यानी कि हाँ दो ही है, ठीक है, और जो भी हो उसमें सीमित होते हैं। ओके, और लिखा है कि शिल्प संबंधी भिन्नताएँ ही उपन्यास और कहानी का अंतर स्पष्ट कर पाती हैं। और ये भी लिखा है कि शिल्प संबंधी भिन्नताएँ, शिल्प संबंधित भिन्नताएँ उपन्यास और कहानी में अंतर स्पष्ट कर पाती हैं। उपन्यास में
एक कवि व्यक्ति के ठीक है समग्र जीवन का चित्रण होता है, जबकि कहानी में उसी घटना का वर्णन होता है। ठीक है, इसमें चित्रण यानी कि चित्रों के रूप में दिखाया जाता है, चित्रण होता है। ठीक है, लेकिन इस घटना में वर्णन किया जाता है। ठीक है, और लिखा उपन्यास के अवान्तर अन्य कथाएँ भी चलती हैं, उपन्यास के अवान्तर अन्य कथाएँ भी चलती हैं, लेकिन कहानी में ऐसा संभव नहीं है। उपन्यास के पात्रों की अनेकानेक विशेषताएँ हो सकती हैं, किंतु कहानी के पात्र की एक ही विशेषताएँ हो, ठीक है, एक ही विशेषता को मजबूती के साथ उभारा जाता है। उपन्यास का पात्र अपनी विविधताओं से पाठक की अस्मृति में छाया रहता है, जबकि कहानी का पात्र अपने एक या सीमित विशेषता के कारण पाठक के हृदय में अधिक देर तक नहीं टिक पाता है। उपन्यास और कहानी में भाषागत एवं शैलीगत विशेषताएँ एवं भिन्नताएँ होती हैं। उपन्यास वर्णात्मक होते हैं, जबकि कहानी प्रभावात्मक। ठीक है, याद रखिएगा, उपन्यास वर्णात्मक होते हैं और कहानी भावात्मक होती है। उपन्यास का पाठक, ठीक है, उपन्यास पढ़कर धीरज धारण करता है, जबकि कहानी का पाठक उग्र हृदय हो जाता है। उपन्यास में कहानी की भावनात्मक, ठीक है, भावनात्मक और कहानी में उपन्यास की संपूर्णता का होना असंभव है। कहानी और उपन्यास दोनों का महत्व भिन्न भिन्न है। ना तो उपन्यास का स्थान कहानी ले सकती है और ना ही कहानी का स्थान उपन्यास। दोनों अपने अपने जगत में अपनी अपनी महती, ठीक है, विशिष्टता रखते हैं, यानी कि दोनों अपने अपने जगह पर बेटर हैं। जैसे कि कोई इंसान होता है, वो कहते हैं कि वो अपने स्थान पे बेटर है, वो अपने स्थान पे, यानी कि कोई भी दो पक्ष है उसमें लड़ाई होती है, तो वो कह रहा है कि वो अपने पक्ष के हिसाब से वो सही बोलते हैं, दूसरा पक्ष भी बोलता है कि वो सही बोल रहा है, तो दोनों अपने अपने जगह सही हैं। ठीक है, और दोनों की जो अलग अलग सोच है, या फिर कह सकते हैं दोनों में बहुत सारी आप लोगों ने देखा कि भिन्नताएँ काफ़ी हैं। ठीक है, लेकिन दोनों की जो जड़ें हैं वो सेम ही हैं, एक ही जड़ के दोनों, मतलब एक ही जड़ के दोनों पेड़ हैं, या फिर दो टहनी हैं। ठीक है, और इसमें नेक्स्ट मिल जाएगा आप लोगों को क्वेश्चन लिखा है कि कर्म भूमि उपन्यास के आधार पर सकीना की, ठीक है, चारित्रिक विशेषताओं का मूल्यांकन कीजिए। तो कर्म भूमि आप लोगों को मालूम है कि उपन्यास है, और इसके जो लेखक हैं आप सभी को उनके बारे में मालूम है। ठीक है, पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा है कि इनकी यानी कि उपन्यास कर्म उपन्यास के आधार पर सकीना की चारित्रिक विशेषता, एक पात्र है, ठीक है, सकीना के बारे में बताया जा रहा है, एक उसमें के पात्र हैं। और इसमें आंसर में लिखा है कि सकीना की चैतिक विशेषताएं, सकीना उपन्यास में प्रयुक्त नारी पात्रों में अपना प्रमुख स्थान रखती है। एक आदर्श नारी के सभी गुण सकीना के अंदर विद्यमान है। ठीक है, सृष्टि परिवर्तनशील है, परिवर्तन का चक्र सदैव चलता रहता है। परिवर्तन के माध्य ही व्यक्त के रहन सहन आचार विचार की भाषा परिवर्तित होती रहती है, किंतु उसके मूल मानवीय गुणों का रहना नितांत आवश्यक है। स्वाभिमानी भी हैं, जब मनुष्य अपने गुणों को छोड़ देता है तब उसका अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। इतना सब जानने के अतिरिक्त भी समाज के अधिकांश प्राणी भोग की, ठीक है, विदग्ध लालसा में अपने मन की कलुषता को प्रोत्साहित करते हैं, किंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने गुणों से दूसरों पर छाए हुए हैं। ठीक है, ऐसे ही लोग में सकीना भी एक है। उपन्यास सकीना का परिचय कराते हुए लिखता है, यानी कि जो उपन्यास सकीना का परिचय कराते हुए लिखता है कि सकीना का संग, ठीक है, सकीना का रंग सांवला था और रूपरेखा देखते हुए वह सुंदरी ना कही जा सकती थी। अंग प्रत्यंग, ठीक है, अंग प्रत्यंग का गठन भी कभी वर्णित उपमाओं में मेल ना खाता था, पर रूप रंग चाल ढाल शील संकोच इन सब ने मिलजुल कर उससे आकर्षण शोभा प्रदान की है। ठीक है, और लिखा है कि इस प्रकार सकीना की चारित्रिक विशेषताओं का मूल्यांकन निम्नलिखित बिंदुओं के परिप्रेक्ष्य में किया जा सकता है। तो आदर्शवादी, अद्भुत गंभीर व्यक्त, ठीक है, आदर्श प्रेमिका, कर्म का संदेश देने वाली, तो ये इनके जो हैं वो निम्नलिखित आप लोगों को मिल जाएंगी जो इनकी विशेषताएं हैं बिंदु वाइज, ठीक है, पॉइंट वाइज। तो ये आप लोग बाद में पढ़ लीजिएगा जब मैं ये टेलीग्राम चैनल पे डाल लूँगा, क्योंकि डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो सकती है। तो इनके आदर्शवादी के बारे में बताया गया था कि आदर्शवादी के बारे में लिखा गया कि आदर्श के मार्ग पर कैसे चलती थी, कैसे क्या है। उसके बाद अद्भुत गंभीर व्यक्ति के बारे में, आदर्श प्रेमिका के बारे में, कर्म का संदेश देने वाली, इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा बाद में। ठीक है, हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कर्मभूमि की भाषा शैली पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। तो कर्मभूमि की जो उपन्यास है इसकी भाषा शैली कैसी थी, इसके बारे में आपको समझाएंगे, जिससे आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। आप सभी को मालूम है कर्मभूमि जो उपन्यास वो प्रेमचंद जी का ही है, याद रखिएगा। ठीक है, लिखा है कि प्रेमचंद की भाषा भावों की
ठीक है, अनुगामिनी होती है और शैली, ठीक है, शैली उसकी अभिव्यक्त का सशक्त माध्यम प्रस्तुत उपन्यास की भाषा में पात्रों के अनुकूल भावों का प्रयोग हुआ है। शैली सारगर्भित एवं प्रभावात्मक है भाषा में, ठीक है, संप्रेषणीयता का गुण विद्यमान है। प्रेमचंद की भाषा का लगाव साधारण जनजीवन से अधिक दिखाई पड़ता है। प्रेमचंद ने अपने लेखक जीवन का प्रारंभ उर्दू भाषा से किया था। अस्तु, स्वाभाविक है कि उनकी भाषा अरबी फारसी के शब्दों की बहुलता होगी। प्रेमचंद ने अपने भाषा में शब्द चयन पर विशेष ध्यान दिया है। याद रखिएगा, प्रेमचंद जी की जो भाषा है, जो भी जिन्होंने जो भी भाषा में रचना रखी है या फिर जिन्होंने ये कविताएं या फिर उपन्यास कहानी जो भी लिखी है, इन्होंने अपनी भाषा पे बहुत ही ध्यान में रखते हुए सारी जो भी कविताएं और जो भी हैं इनकी रचनाएं उन्होंने लिखी हैं। और लिखा है कि उन्होंने अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, फारसी तथा हिंदी, ठीक है, इन सभी भाषाओं के शब्द का सम्यक प्रयोग किया है, किंतु एक बात का ध्यान उन्होंने सर्वथा दिया है, सभी भाषाओं का व्यवहारिक रूप का प्रयोग उन्होंने किया। प्रेमचंद जब शहरी पात्रों के मुख से कुछ कहलवाते थे तो भाषा उसके अनुरूप होती, और जब ग्रामीण पात्र बातचीत करता है तब भाषा तदनुरूप हुआ करती थी। यानी कि जब भी वो कोई रचना रचते थे या फिर तो वहाँ पर वो सॉरी प्रेमचंद भाषा का बहुत ध्यान रखते थे। तो वो जो जैसे कि कोई भी शहर का जैसे कि पार्ट हो गया, जैसे कि आप लोग कह सकते हैं कोई एग्जांपल लेकर मैं चलता हूँ, जैसे कोई मूवी है जो शहर में शूट होती है, उसमें की जो लैंग्वेज है वो अलग होती है, ठीक है, और जो आप लोग ने देखा होगा कि भोजपुरी मूवी या फिर अलग लैंग्वेज की मूवी, उसमें की जो भाषा अलग होती है, यानी कि जहाँ जैसे जो भी पात्र है वही की उस लैंग्वेज में बोली जाती है। अगर पात्र शहरी एरिया का है, यानी कि जो पात्र उसमें दिया गया तो शहर का है, तो पात्र यानी कि जो बोलेगा, जो भी उसमें का पात्र होगा बोलेगा, और शहर की लैंग्वेज में बोलेगा। जो देहात में यानी कि ग्रामीण एरिया का है वो उसी भाषा में बोलेगा जहाँ का माहौल है। तो ये इनकी बहुत बड़ी अच्छी बात थी, ठीक है। और लिखा है कि शैली के दृष्टि से विचार करने पर दिखाई पड़ता है कि प्रेमचंद जी व्यास प्रधान एवं समाज प्रधान दोनों प्रकार की शैलियों का प्रयोग खूब सफलता के साथ किया है। पत्रानुकाल मानव भाव की सृष्टि, ठीक है, करने में उनको पर्याप्त सफलता मिली है। प्रेमचंद जी ने अलंकारों, मुहावरों एवं लोकोक्तियों का सम्यक प्रयोग किया है। अतः प्रेमचंद की भाषा शैली तत्कालीन साहित्यिक गतिविधियों के सर्वथा अनुरूप अनुकूल दिखाई पड़ती है, ठीक है। तो इनकी जो भाषा थी, ठीक है, कर्मभूमि की भाषा जो शैली थी, इसकी जो इनके उपन्यास था, इसकी भाषा शैली कैसी थी, आप लोगों को मैंने इसमें समझाने का प्रयास किया। अगर आप मैं आपको बता दूं, एक बार में आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, एक से दो बार तीन बार वीडियो ज़रूर ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि ये सारे लघु उत्तरीय बेस के क्वेश्चन हैं। ये अब याद करके या फिर आप लोग रट्टा मार के नहीं जा सकते हैं, इसमें आप लोगों को समझना होगा। थोड़ा समझेंगे तो आप लोग विस्तार से आसानी से एग्ज़ाम में आप लोग लिख पाएंगे। तो ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा, एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको आसानी से ध्यान में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्मभूमि उपन्यास के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो कर्मभूमि के उपन्यास जो है, ठीक है, उसके उद्देश्य क्या था, जो कर्मभूमि उपन्यास था उसका, प्रेमचंद के माध्यम से उस जो उपन्यास था उसका मेन उद्देश्य क्या था, वो उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, उपन्यास से संबंधित जो भी कर्मभूमि उपन्यास था इससे संबंधित एक दो क्वेश्चन तो आएंगे, आप लोग को इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, तो आप आई होप क्लियर कर लेंगे अगर पढ़े रहेंगे पहले से तो, ठीक है। लिखा है कि सामाजिक परिवेश की विभिन्न अनुभूतियों के मध्य मानव की कलुष्टी भावना को जो व्यथा का मार्ग पकड़ाती रहती है, सबसे अलग हटकर सात्विक प्रेम की दिव्य छाया में करुणिक मुद्रा की गहन अनुभूतियों में प्रस्तुत उपन्यास का उद्देश्य जनमानस को डाल देता है। प्रस्तुत उपन्यास जीवन का विशाल दर्पण है, जिसमें विस्तार की रेखा को साहित्यिक कि किसी भी रूप में चित्रित नहीं किया जा सकता है, पर सदैव साहित्य से भी बड़ा विराट मानवीय गुणों की अभिव्यक्ति का प्रतिबिंब प्रस्तुत करने वाला है होता है ठीक है प्रतिबिंब प्रस्तुत करने वाला होता है। जयवर्धन प्रश्ले प्रस्तुत उपन्यास के अंतर्गत समस्त कलात्मक सौंदर्य अपने मूल रूप से निहित है। प्रेमचंद की स्थापना प्रेमचंद की ही स्थापना है कि बिना उद्देश्य के कोई रचना हो ही नहीं सकती। यानी कि मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा है, कोई भी रचना हो या फिर कोई भी कृति हो, कोई भी कविता हो, कोई भी कहानी हो, कोई भी उपन्यास हो, बिना किसी उद्देश्य के वो रचना रची नहीं जाती या फिर उस रचना
मानी नहीं जाती, ठीक है। बिना किसी उद्देश्य के कोई रचना होती ही नहीं। जैसे कि आप कोई काम कर रहे हैं तो आपका कोई उद्देश्य ही होगा कि हाँ, जैसे आप कोई जॉब कर रहे हैं तो आपका उद्देश्य होगा कि हम जॉब करेंगे, ड्यूटी करेंगे, उसके अगेंस्ट में हमको पैसे मिलेंगे, तो आपका एक उद्देश्य हो गया, ठीक है। तो यही इसी तरह कहानी में भी है, ठीक है। और लिखा है कि प्रस्तुत उपन्यास का भी एक उद्देश्य है और वह तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों का चित्रण करना तथा वर्गगत विषमता, ठीक है, पूंजीपतियों द्वारा किया जाने वाला अत्याचार, प्रेम का आदर्श, ठीक है, अछूताद्वार एवं सुधारवादी आंदोलन का सम्यक चित्रण करना, ठीक है, निष्कर्ष हम कह सकते हैं कि इस उपन्यास का उद्देश्य है मानव धर्म, ठीक है, संयत मानवता की स्थापना करना। उपयुक्त विशेष, ठीक है, विश्लेषणों से स्पष्ट है कि कर्म वो उपन्यास, ठीक है, औपन्यासिक, ठीक है, औपन्यासिक तत्वों की कसौटी पर खरा उतरता है। इसमें प्रेमचंद को पर्याप्त सफलता मिली है, ठीक है, यानी कि प्रेमचंद को इसमें पर्याप्त सफलता मिली है। इसमें उनको, ठीक है, आदर्शोन्मुख यथार्थवाद एवं गांधीवाद दर्शन झलकता है। यानी कि कुल मिला के उपन्यास का जो कर्म उपन्यास का अर्थ उद्देश्य है वो आप लोगों को मैंने इसमें समझाने का प्रयास किया, ठीक है। आप लोगों का आई होप समझ में आ ही हुआ होगा, नहीं भी आया तो एक बार दो बार वीडियो ज़रूर देखेंगे जिससे आप लोगों को पूरी तरह समझ में आ जाए। इन्होंने एक बात कही है, आप लोग ज़रूर याद रखिएगा कि प्रेमचंद जी ने ये बात कही है कि बिना किसी उद्देश्य की कोई भी रचना नहीं होती है, वो चाहे कहानी चाहे नाटक चाहे जो भी हो, ये पॉइंट याद रखिएगा। उसके बाद आप लोग इसके बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे आप लोगों के मन में आते जाएंगे बातें और आप लोग लिखते जाएंगे। ऊपर मेन जो है वो सेंटेंस वाइज लिख दीजिएगा, बाद में आप लोग थोड़ा बना बना के भी लिखेंगे तो आप लोगों को नंबर मिल जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर देखता है आगे, देखो दो चार लाइन ऊपर की देखता है और लास्ट की देखता है, उसके बाद वो कॉपी आप लोगों को चेक करके आगे फॉरवर्ड कर देता है। यानी कि उसके पास इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि इतने सारे बच्चे होते, इतनी सारी कॉपियाँ होती हैं, उनको चेक करना, ठीक है, डिटेल में पॉसिबल नहीं हो सकता। तो ठीक, मेन देखता है, उसके बाद आप लोगों को नंबर दे देता। तो ये चीज़ याद रखिएगा, आपका एग्जाम होगा तब, ठीक है। तो आई होप आज के इस वीडियो मैंने कुछ लघु उत्तरीय लेवल के, कुछ टॉप लेवल के आप लोगों को क्वेश्चन बताए लोग की, हो सकता है जो कर्मभूमि के मैंने सारे क्वेश्चन बताए, एक क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा, ये याद रखिएगा। तो आप लोग पढ़ के जाइएगा। आप लोगों को मैं ये भी बता दूँ कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक, उससे ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। कोई भी सूचना है तो उस पर आपको मिलती रहेगी, ठीक है। और अब कुछ पूछना है किसी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताएं। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।